कि आप बॉडी बनाना चाहते हैं लेकिन आप वेजिटेरियन हैं और जिम जाने के लिए वक्त भी नहीं निकाल सकते। इसके अलावा आप महंगे जिम का खर्चा भी नहीं उठा सकते। हम बताएंगे कि कैसे आप घर की देसी और वेजिटेरियन डाइट से बॉडी बना सकते हैं। देसी वेजिटेरियन डाइट प्लान से पुराने ज़माने के पहलवान अपनी बॉडी बनाते थे। आपने अक्सर सुना होगा कि हाई प्रोटीन डाइट चाहिए तो मीट, मछली, अंडे, मांस खाना शुरू करो। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वेजिटेरियन फूड में भी प्रोटीन बहुत अच्छा मौजूद होता है। बादाम, अखरोट, मूंगफली और यहाँ तक कि चिया सीड में भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। इन्हें आपको अपने ब्रेकफास्ट में रोजाना शामिल करना चाहिए। खास तौर पर बादाम प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है। इसमें प्रोटीन के अलावा विटामिन, मिनरल और फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है। इसे रेगुलर खाने से आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। एक कप सूखे ओट्स में लगभग 13 ग्राम प्रोटीन, 8 ग्राम फाइबर होता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, जिंक, फॉस्फोरस और फोलेट की मात्रा भी भरपूर होती है। ओट्स प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। पीनट बटर में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है। यह हेल्दी होने के साथ ही टेस्टी भी होता है। पीनट बटर में विटामिन B6, पोटेशियम, फाइबर, मैग्नीशियम आदि भी भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। हरी मटर के एक कप में 8 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अलावा हरी मटर में फाइबर, पोटेशियम, विटामिन, कॉपर जैसे कई तत्व पाए जाते हैं। इसे कच्चा और पकाकर दोनों तरह से खाया जा सकता है। सोयाबीन, यह प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता का 72% तक पूरा कर सकता है। 100 ग्राम कच्चे सोयाबीन में लगभग 36 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है। सोया चाप न्यूट्रिन गेट के रूप में भी यह हेल्दी ऑप्शन है। ब्रोकली और फूल गोभी, ब्रोकली और फूल गोभी भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। एक कप कच्ची ब्रोकली में लगभग 2.6 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि एक कप कटी हुई फूल गोभी में 2 ग्राम प्रोटीन होता है। इन दोनों सब्जियों को प्रोटीन का पावर हाउस भी कहते हैं। इसलिए अगर आप वर्कआउट करके अच्छी डाइट लेंगे तो आपकी बॉडी बनना निश्चित है।